नमस्ते भैया, सदा खुश रहो। माई सर डॉक्टर बलराज सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्यगुण, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। टुडे वी डिस्कस अबाउट कास्ट दारू। कास्ट दारू आपने अशोक पढ़ा, अपन ने जब डिटेल्स टॉपिक पढ़ रहे थे अपन, तो उसके अंदर अपन ने अशोक पढ़ा था। आज नकली अशोक जिसे क्या बोलते हैं, कास्ट दारू, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे बहुत ब्रीफली। बॉटनिकल नेम ऑफ कास्ट दारू इज पॉलीएल्बिया लॉन्गीफोलिया। आपको ये नाम भी घटा हुआ होना चाहिए, पॉलीएल्बिया लॉन्गीफोलिया। फैमिली इज एनोनेसी, इट्स बिलोंग टू एनोनेसी फैमिली एंड कुल सीताफल कुल, ठीक है। हिंदी में देवदारी अपन बोलते हैं इसको, देवदारी, नकली अशोक की ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। एंड इंग्लिश मास्ट ट्री, एंड देर आर टू वेराइटीज ऑफ देवदारू, स्निग्ध दारू एंड कास्ट दारू। जो स्निग्ध दारू है या देवदारू है वो तो है सिद्ध देवदारू, और जो कास्ट दारू है पॉलीएल्बिया लॉन्गीफोलिया। अकॉर्डिंग टू राजनिगंटू, कास्ट दारू हैव फाइव वेराइटीज, देव कास्टम, उतिक कास्टम, भद्र कास्टम और सुकास्टम एंड अस्निग्ध कास्टम। कास्ट दारू सेड टू बी सिमिलर टू देवदारू बट अस्निग्ध और हैविंग लेस ऑयल कंटेंट। द ड्रग पॉलीएल्बिया लॉन्गीफोलिया इज प्राइमरी सब्स्टिट्यूट ऑफ अडल्टर्ड फॉर अशोक। This is another variety identified as Polyanthia cimerum. Both are used under the name of कास्ट दारू, ठीक है। पहले तो इसे देवदारू का वो बता दिया गया, ठीक है। तो दो तरह के स्निग्ध दारू, कास्ट दारू, स्निग्ध दारू है वो देवदारू के लिए यूज कर लिया जाता है, कास्ट दारू ये है क्योंकि स्निग्ध दारू में अपन तेल की मात्रा होती है और ये जो कास्ट दारू है उसमें तेल की लास्ट मात्रा होती है या नहीं भी होती है, ठीक है। लेकिन जो इसे कहा जाता है वो नकली अशोक ज़्यादा कहा जाता है, नकली अशोक Polyanthia longifolia। अभी इसकी जो वैरायटी आइडेंटिफाई है, एक न्यू वैरायटी है अगर आंध्र प्रदेश, वो पॉलीएल्बिया साइमरम, एंड इन दोनों को ही कास्ट दारू के नाम से जाना जाता है। इसका हैबिटेट देखें, उत्पत्ति स्थान देखें, इट इज़ ग्रोन ऑल ओवर इंडिया मेनली ऑन द एवेन्यूज एंड हेजेस, ठीक है। अपने घरों के बाहर ज़्यादातर दीवारों के पास इसको लगाया जाता है और पार्क में भी, ये गार्डन में भी एक हेज के साथ साथ लगा हुआ होता है एंड दिखने में भी काफ़ी सुंदर दिखता है। हैबिट स्वरूप ए टॉल ट्री विद स्ट्रेट स्टेम, ठीक है। ब्रांचेज आर शॉर्ट ड्रॉपिंग डाउनवर्ड्स, इसकी ब्रांचेज नीचे की तरफ रहती है, जैसे देवदारू के पेड़ होते हैं, शेप वैसी है बस छोटा है। द बार्क इज थिन एंड द वुडी येलोइश व्हाइट, लीव्स 6 to 9 inches लॉन्ग, इलोंगेटेड विद वेवी और अंडुलेटेड मार्जिन्स, ग्लैबरस, फ्लावर ग्रीनिश येलो और येलोइश व्हाइट, फ्रूट्स आर राउंड एंड ओवल, अनरिच फ्रूट्स ब्लू ऑन राइपनिंग बिकम्स रेड, ठीक है। फ्रूट्स आर राउंड और ओवल, अनरिच फ्रूट ब्लू एंड ऑन रिपनिंग बिकम्स रेड, ठीक है। दैट इज द हैबिटेट स्वरूप एंड उपयुक्त अंग पार्ट यूज कौन सा किया जाता है, उसका कांड किया जाता है, ठीक। कांड मतलब उसका जो स्टेम वाला जो पार्ट है, उसका अंदर का सार भाग है, दिस ट्रक एंड पत्र, ठीक है। तीनों चीज यूज है, यूज है इसकी, कांड भी है, पत्र भी है और ट्रक भी है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट दारू, रस तिक्त कटु रहेगा इसका, वीर्य इसका उष्ण है, गुण इसके रुक्ष हैं, विपाक इसका कटु है, ठीक है। दोबारा देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट दारू, रस तिक्त कटु, वीर्य इज उष्ण एंड गुण इज रुक्ष एंड विपाक इज कटु, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट दारू। अब देखेंगे इसका रोगाभिकरण या और फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, एंड दिस इज दीपन, ठीक है, एज एपेटाइजर काम करता है, कृमिघ्न, ठीक है, कृमियों के नाश का भी कारण बनता है या कृमि रोग को दूर करता है, एंड प्रमेहग्न जो अपना डायबिटीज मेलाइटिस है या प्रमेह है उस रोग के एक औषध है, ज्वरग्न ज्वर रोग में इसे दिया जाता है, कुष्ठग्न स्किन डिजीज में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दोबारा देखिए, फार्माकोलॉजिकल एक्शन दीपन है, कृमिघ्न है, प्रमेहग्न है और ज्वरग्न है एंड कुष्ठग्न है, तो दीज आर द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, ठीक है। इसकी रोगन कर्म है, और नाउ लेट्स बी दी रोग निवारण कर्म, रोग निवारण कर्म और थेरेप्यूटिक वैल्यूज इसकी, यूजफुल इन अग्निमांद्य, अग्निमांद्य है तो कैसा काम करेगा, एज ए एपेटाइजर भी काम करेगा, इसलिए रोग निवारक कर्म है, यूजफुल इन अग्निमांद्य। कृमि जैसा अपन ने फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में देखा था, कृमि रोगों पड़ता है तो कृमियों का नाश करेगा, ठीक है। कुष्ठ स्किन डिजीज में काम करेगा, ज्वर एंड प्रमेह, दिस आर द रोग निवारण कर्म। नाउ फार्माकोलॉजिकल क्लासिकल रेफरेंस, फर्स्टली राजनिगंटू,
देवदारू द्विधा गेयम तत्राद्यम स्निग्ध दारुगम। ठीक है, देवदारू तो दो तरह के हैं, तत्राद्य स्निग्ध दारुगम, स्निग्ध दारू को देवदारू कहते हैं। द्वितीयम काष्ठ दारू श्याद दयोन अन्यम भेद है। ठीक है, ये दूसरा इसका अन्य भेद बताया राजनिघंटु ने। प्रियव्रत शर्मा ने बताया काष्ठ दारू लघु रुक्ष तिक्त है, लघु रुक्ष और तिक्त। ठीक है, दीपनम प्रमीहरत मेहे ज्वरे पुष्टि चुष्यते, मेह में ज्वर में पुष्टि चुष्य प्रमीहरत दीपन प्रमीहरत मेहे ज्वरे पुष्टि चुष्यते। ये सब प्रियव्रत शर्मा जी ने बताया है उसके अंदर काष्ठ दारू के अंदर। सो टुडेज टॉपिक इज काष्ठ दारू। आपको इसको ब्रीफली याद करना है, इसमें स्पेशली उसका बॉटनिकल नेम हो गया, ठीक है, फैमिली हो गई, हिंदी में नाम हो गया, इंग्लिश में नाम हो गया, और इसके भेद हो गए, और उत्पत्ति स्थान और हैबिटेट में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, उपयुक्त अंग के कौन से पार्ट यूज किए जाते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी रोगनाशकता क्या है, बस ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लें। ठीक है, फिर नाउ वी डिस्कस सेकेंड टॉपिक पाताल गरुड़ी। पाताल गरुड़ी इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट प्लांट। द बॉटनिकल नेम ऑफ पाताल गरुड़ी इज पॉपुलस हिरसुटस। बॉटनिकल नेम ऑफ पाताल गरुड़ी इज पॉपुलस हिरसुटस। ठीक है, और फैमिली इसकी मैनेज करना चाहिए, आप लोगों को ये नाम याद होना चाहिए। बॉटनिकल नेम ऑफ पाताल गरुड़ी पॉपुलस हिरसुटस एंड फैमिली नेम इज मैनेज करनी है सी फुल। इसको गुरुची कुल में इसको रख लेते हैं। मैनिस परमियसी किसका कुल है? गुरुची टीनोस्पोरा पॉडिफोलिया का भी कुल है, गुरुची कुल। ठीक है, तो बॉटनिकल नेम पॉपुलस हिरसुटस, फैमिली मैनिस परमियसी, और कुल गुरुची कुल है इसका। ठीक है, हिंदी में पाताल गरुड़ी कहते हैं अपन इसको, पाताल गरुड़ी नेम ऑफ अदर लैंग्वेज हिंदी में पाताल गरुड़ी है ना। और फिर इंग्लिश में वेलवेट लीफ और पैरेट रूट, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, वेलवेट रूट एंड पैरेट रूट, इंग्लिश। हैबिटेट उत्पत्ति स्थान ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इंडिया, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इंडिया। हैबिट स्वरूप इज स्ट्रगलिंग स्कैंडेंट श्रब, लीव 3.8 to 6.3 by 1.3 to 3.8 cm। स्ट्रगलिंग स्कैंडेंट श्रब लीव 3.8 to 6.3 by 1.3 to 3.8 cm। ओवेट ऑबलोंग, मेल क्लॉट इन स्मॉल एक्सिलरी साइमोस पेरिसेल्स, फीमेल क्लॉट इन एक्सिलरी क्लस्टर्स 2 to 3 टुगेदर रेयरली रेसिमोस ऑबिस 3 स्मूथ ग्रुप साइज ऑफ ए स्मॉल की। ठीक है, ग्रुप साइज कितना है इसका, स्मॉल की। उपयुक्त अंग देखें पाताल गरुड़ के, तो मूल है और पत्र है, मूल भी है इसका और पत्र भी है। उपयुक्त अंग ऑफ पाताल गरुड़ी मूल एंड पत्र। नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ पाताल गरुड़ी। रस इसका क्या होता है, तिक्त होता है। पाताल गरुड़ी का रस क्या है, तिक्त। वीर्य उष्ण, गुण लघु स्निग्ध और पिच्छिल। ठीक है, लघु स्निग्ध एंड पिच्छिल, गुण क्या है, लघु है, स्निग्ध है और पिच्छिल है। विपाक इसका कटु है। प्रभाव इसका विषग्न है। पाताल गरुड़ी का प्रभाव क्या है, विषग्न है। दोबारा देखते हैं, रस इसका तिक्त है, वीर्य इसका उष्ण है, गुण इसका लघु स्निग्ध और पिच्छिल है, विपाक इसका कटु है और प्रभाव इसका विषग्न है। दोष कर्म का देखें तो दोषग्न है पाताल गरुड़ी, दोषग्न वह पाताल गरुड़ी। ज्वरग्न कर्म या रोगग्न कर्म देखें, रोगग्न कर्म देखें, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एंड वृष्य है पाताल गरुड़ी, वृष्य है, कफग्न है, व्रण रोपण है, वुंडलिंग प्रॉपर्टी ऑल्सो भया एंड बल्य है, मूत्रल है, ज्वरग्न है और ग्राही है। दोबारा देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, वृष्य, कफग्न, व्रणरोपण, बल्य, मूत्रल, ज्वरग्न और ग्राही, दीज आर फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ पाताल गरुड़ी। नाउ रोग निवारण कर्म ऑफ पाताल गरुड़ी, द मूल इज यूजफुल इन आमवात, आमवात रूमेटॉइड आर्थराइटिस, द मूल इज यूजफुल इन आमवात, शंधिशोथ स्वेलिंग ऑन जॉइंट्स एंड दौर्बल्य वीकनेस, मूत्रक्वच बिकॉज इट हैव मूत्रल प्रॉपर्टी सो यूज इन मूत्रक्वच एंड ज्वर, ज्वरग्न है इसलिए ज्वर में, पत्र द मूल के ये यूज आमवार, संधिशोथ, दौर्बल्य, मूत्रक्वच और ज्वर। नाउ पत्र यूज एज दाह शामक, पत्र इज यूज एज दाह शामक, मूत्रजनन,
शोथ, स्तन्य जनन और व्रण। वुडी नीम प्रॉपर्टी भी होती है पत्र में, स्तन्य जनन भी होते हैं, शोथ है, मूत्र जनन है और दवाशामक है। तो देर आर टू पार्ट यूज, मूल थेरेपेटिक वैल्यूज डिफरेंट एंड अ पार्ट थेरेपेटिक वैल्यूज डिफरेंट। देर इज मेंशन बोथ ऑफ द थेरेपेटिक वैल्यूज ऑफ मूल एंड पत्र ऑल्सो। देन मूल इज आमवात, संधिशोथ, दौर्बल्य, मूत्रकच और ज्वर। पत्र दवाशामक, मूत्र जनन, शोथ, स्तन्य जनन एंड व्रण। मात्रा देखें, स्वरस 10 to 20 ml, ठीक है। अगर पातल ग्रोथ देनी है उसका स्वरस देना है तो 10 to 20 ml, क्वाथ देना है तो 50 to 100 ml, ठीक है। स्वरस 10 to 20 ml और यदि आप क्वाथ दे रहे हैं तो 50 to 100 ml, ठीक है। देन क्लासिकल रेफरेंस, भाव प्रकांड निगंतु सेज अबाउट पातल गरुड़ी, छिल हिंटो, छिल हिंट इज द इम्पॉर्टेंट सिनोनिम ऑफ पातल गरुड़ी, छिल हिंट। महामूल पाताल गरुड़ा है, छिल हिंट परम ब्रश्य कफग्न पवनाप है, ठीक है। दिस इज द क्लासिकल रेफरेंस भाव प्रकाश निगंतु। सो दिस इज द ऑल अबाउट पातल गरुड़ी। नाउ वी डिस्कस अबाउट गिरी परपट। गिरी परपट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ड्रग ऑफ आयुर्वेदा। गिरी परपट, बॉटनिकल नेम ऑफ गिरी परपट इज पॉडोफिलम हेक्साडेंड्रम। बॉटनिकल नेम ऑफ गिरी परपट इज पॉडोफिलम हेक्साडेंड्रम एंड फैमिली नेम इज बर्बिडेसी। फैमिली नेम इज बर्बिडेसी ऑफ गिरी परपट। कुल दारू हरिद्रा कुल, ठीक है। तो गिरी परपट बॉटनिकल नेम पॉडोफिलम हेक्साडेंड्रम एंड फैमिली बर्बिडेसी एंड कुल दारू हरिद्रा कुल, ठीक है। हिंदी में पापड़ा इसको बोलते हैं, पापड़ा। इंग्लिश में इंडियम पोडोफाइलम, ठीक है। पोडोफाइलम हेक्साडेंड्रम में इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडियन पोडोफाइलम, ठीक है। उत्पत्ति स्थान इंटीरियर रेंज ऑफ द हिमालय फ्रॉम कश्मीर टू सिक्किम। इंटीरियर रेंज ऑफ द हिमालय फ्रॉम कश्मीर टू सिक्किम। हैबिट स्वरूप की बात करें, ए स्मूथ सुकुलेंट इरेक्ट हर्ब, रूट स्टॉक ड्रीपिंग, फ्लावरिंग स्टेम 15 to 45 cm हाई, लीव्स 1 to 3, अल्टरनेट ऑफन पर्पल स्पॉटेड, राउंड 15 to 25 cm डायामीटर, फ्लावर 3.8 to 5 cm डायामीटर, सॉलिटरी, कप शेप्ड, वाइट समटाइम पिंक, अपीयरिंग एट द सेम टाइम एट लीव्स, फ्रूट ए लार्ज स्कारलेट पल्पी बेरी 2.5 to 6.3 cm इन लेंथ कंटेनिंग मैनी सीड्स। दिस इज द हैबिट ऑफ गिरी परपट, ठीक है। गिरी परपट नाम से पता चलता है कि हिमालय टू तो कश्मीर और सिक्किम में मिलेगा, ठीक है। ये सुकुलेंट इरेक्ट हर्ब है। उपयुक्त पार्ट यूज विज मूल। गिरी परपट का क्या यूज करना अपने को, मूल, ठीक है। तो पार्ट यूज कौन सा हो रहा है, मूल। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ गिरी परपट, रस, रस इज कटु तिक्त। रस क्या है गिरी परपट का, कटु तिक्त। वीर्य इज उष्ण, वीर्य उष्ण। गुण लघु रूक्ष तीक्ष्ण। गुण क्या है, लघु है, रूक्ष है और तीक्ष्ण है। विपाक इज कटु, ठीक है। नाउ एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, रस इज कटु तिक्त, वीर्य इज उष्ण, गुण लघु रूक्ष और तीक्ष्ण। गुण क्या है, लघु है, रूक्ष है और तीक्ष्ण है। विपाक इज कटु। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ गिरी परपट। नाउ दोष कम था कफ पित्त शमक। दोष कम था गिरी परपट कफ पित्त शमक। रोगन कर्म था, अगर रोगन कर्ता की बात करें तो पित्तग्न है, रक्त शोधक है, ठीक है। पित्तग्न पित्त को शमन करने वाला, रक्त शोधक है, ब्लड प्यूरीफायर का याद रहेगा, यकृत उत्तेजक है एंड कुष्ठग्न है, कुष्ठ को नाश करने वाला है, रेचन है एंड वातानुलोमन है। रोगन कर्मता देखें तो पित्तग्न है, रक्त शोधक है, यकृत उत्तेजक है, कुष्ठग्न है, रेचन है और वातानुलोमन है, ठीक है। और रोग निवारण का यूजफुल इन विबंध और रेचन है ना, तो इसलिए किसमें काम करेगा, विबंध के अंदर। उदर रोग यकृत उत्तेजक है इसलिए उदर रोगों में काम करेगा और कामला में काम करेगा, ठीक है। मात्रा अगर देखें गिरी परपट की, डोज देखें गिरी परपट का अपन, तो मात्रा चूर्ण इसका 250 mg से लेके 1 ग्राम तक दे सकते हैं, ठीक है। मात्रा डोज गिरी परपट की चूर्ण 250 mg to 1 ग्राम एंड सत्व इसका 5 mg to 75 mg। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, चूर्ण की मात्रा भी काफ़ी कम है और सत्व की मात्रा तो और भी कम है, ठीक है। चूर्ण है 250 mg टू
1 ग्राम और सत्व 5 मिलीग्राम टू 75 मिलीग्राम. दिस इज ऑल अबाउट गिरी प्रोफाइट. सो टुडे वी डिस्कस थ्री टॉपिक्स, कास्ट दारू, पाताल गरुड़ी एंड गिरी प्रोफाइट. ऑल थ्री टॉपिक्स मेंशन इन योर सिलेबस इन ब्रीफ टॉपिक्स. सो यू शुड लर्न ऑल द थ्री टॉपिक्स, बॉटनिकल नेम, फैमिली है ना, और हिंदी नेम एंड उपयुक्त अंग, प्रॉपर्टीज, दोष कमता, रोगनाशकता, डोज. ठीक है, दिस यू शुड रिमेंबर दीज टॉपिक्स. सो चिल्ड्रंस, टुडेज सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान. आई होप यू ऑल आर सेटिस्फाइड विद दिस सेशन. इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट सून. थैंक यू.